डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आर डी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 13 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 13.2 लेवल सेकंड क्वेश्चन नंबर 20। इफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी नंबर वेयर जेड इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। देखिए, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड, तो हमको मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कंडीशन दी है जेड इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, इसलिए दिया है कि नीचे ये जेड प्लस वन लिखा हुआ, अगर जेड की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी तो नीचे माइनस वन प्लस वन कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए कंडीशन दी हुई है कि जेड इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई सपोज कर लेते हैं और उसको इसके अंदर रख के सॉल्व करते हैं। तो हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा उसको हम जीरो के इक्वल रख देंगे क्योंकि ये जो नंबर है ये प्योरली इमेजनरी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने सपोज कर लिया। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यहां रख के सॉल्व करता हूं। देयरफॉर जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू रख दो एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस वन, और नीचे भी जेड की वैल्यू रख देते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई और ये प्लस वन, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू ये एक्स माइनस वन को एक ब्रैकेट में लिख लो, प्लस आयोटा वाई डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन को पहले लिख लो, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, प्लस आयोटा वाई, ये ऐसा आ गया। अब क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर में यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रेस्टलाइज कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस वन माइनस आयोटा वाई, ये हमने डिनोमिनेटर को रेस्टलाइज कर दिया। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी और ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लो। पहले एक्स माइनस वन का इस ब्रैकेट में करते हैं, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, फिर इस माइनस आयोटा वाई का एक्स माइनस वन में कर लेते हैं, ये माइनस आयोटा वाई और एक्स माइनस वन, फिर प्लस आयोटा वाई का इस ब्रैकेट में करो पहले, प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस वन और फिर आयोटा वाई का माइनस आयोटा वाई में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर करेंगे तो एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू ये ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस वन स्क्वेयर करेंगे तो वन, और यहाँ देखो ये आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर के लिए माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वेयर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस वाई स्क्वेयर, और इन दोनों में से आयोटा वाई को कॉमन निकाल देते हैं, प्लस आयोटा वाई निकालता हूँ मैं कॉमन, जब हमने प्लस निकाले हैं तो ये प्लस वाली टर्म को पहले लिख लो, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन और यहाँ बचेगा आपका ये आयोटा वाई निकल गया, ये माइनस और ये एक्स माइनस वन, माइनस का इनको अंदर कर लो ये माइनस एक्स और ये प्लस वन, डिनोमिनेटर में इसको ऐसे ही रहने दो एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर और यहाँ आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू रखें तो माइनस वन माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर हो जाए, इसको सॉल्व कर लो, ये नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को पहले लिख लो माइनस वन और यहाँ बच गया ये वन और वन टू आयोटा वाई प्लस टू आयोटा वाई और डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन रियल पार्ट हो गया और ये वाला इमेजिनरी पार्ट हो गया टू वाई, तो इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर लो इससे, ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन और टू आयोटा वाई को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं इससे, विच इज इक्वल टू
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर टू वाई अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू आयोटा, ऐसा आ गया। ये आया है अपना जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, ये वैल्यू निकाल ली हमने इसकी। देखो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। हमको क्या गिवन है कि ये जो नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, जब ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा। सेंस जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ जेड माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका रियल पार्ट जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो रियल पार्ट ये वाला, इसको जीरो रख देते हैं। तो विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस वन को इधर शिफ्ट कर लो। विच एम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन, दोनों साइड का अंडर रूट ले लो, अपने को मॉडुलस ऑफ जेड चाहिए, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू वन का अंडर रूट वन। इस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को मॉडुलस ऑफ जेड लिख सकते हो, तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू वन, मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो इसको लिख दिया मैंने मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू वन, यही आपका आंसर होगा। ऐसे आपको इसको सॉल्व करना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इफ जेड वन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर अदर देन माइनस वन, जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो अदर देन माइनस वन, मतलब जेड वन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड वन इज इक्वल टू वन दिया हुआ है एंड जेड टू इज इक्वल टू जेड वन माइनस वन अपॉन जेड वन प्लस वन, देन शो दैट द रियल पार्ट ऑफ जेड टू इज जीरो, तो जेड टू का रियल पार्ट ये जो जेड टू दिया हुआ है इसका रियल पार्ट जीरो के इक्वल प्रूव करना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन को सपोज कर लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, और इस कंडीशन में वैल्यू रखते हैं, यहाँ से एक कंडीशन मिल जाएगी हमको, और फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करके Z2 का जो रियल पार्ट है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, तो क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। 8 Z1 is equal to X plus iota Y, अब ये मॉडुलस ऑफ Z1 is equal to 1 दिया हुआ है, तो हम दोनों साइड का यदि मॉडुलस ले लेते ये मॉडुलस ऑफ Z1 आ जाएगा, इसके प्लस पर 1 रख देंगे। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, मॉडुलस ऑफ Z1 is equal to modulus of x plus iota y, ये modulus of z1 हमको given है 1 के equal, तो 1 रख दो, is equal to modulus of x plus iota y को हम लिख सकते हैं under root x square plus y square, किसी भी complex number का जो modulus होता है वो under root के अंदर उसके real part का square plus imaginary part का square होता है, ये मैंने लिखा, दोनों side का square कर लो, तो squaring on both side 1 is equal to एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट जाएगा, ये वन को शिफ्ट कर लो उधर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू जीरो, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया अपने पास, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, इसका अपन यूज करेंगे। अब देखिए आप ये जेड टू की वैल्यू दी हुई है, हम उसी जेड टू को सॉल्व कर लेते हैं और इसका रियल पार्ट हमको जीरो लाना, यहाँ पे जेड वन की वैल्यू रखते हैं। नाउ जेड टू इज इक्वल टू Z1 माइनस वन अपॉन Z1 प्लस वन, वैल्यू रख दो उसके अंदर, Z1 की वैल्यू X प्लस आयोटा Y माइनस वन, Z1 की वैल्यू X प्लस आयोटा Y और ये प्लस वन, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये X माइनस वन को पहले लिख लो ब्रैकेट लगा दो प्लस आयोटा Y, यहाँ भी X प्लस वन को ब्रैकेट में लिख लो और प्लस आयोटा Y, अब डिनोमिनेटर में x प्लस वन प्लस आयोटा वाई है तो यहाँ माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय x प्लस वन माइनस आयोटा वाई अपॉन x प्लस वन माइनस आयोटा वाई,
ये हमने इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दी। अब नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते, ये चल रहा है अपना जेड टू के इक्वल, विच एम्प्लाइज जेड टू इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स माइनस वन का करो, तो ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, फिर माइनस आयोटा वाई में कर देंगे माइनस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस वन, फिर ये आयोटा वाई का कर देते हैं एक्स प्लस वन में, प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस वन, प्लस माइनस माइनस आयोटा वाई का आयोटा वाई में करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, डेनोमिनेटर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वेयर करेंगे तो एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, को सॉल्व कर लो और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन रख देंगे यहाँ भी और यहाँ, विच इज इक्वल टू ये ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी से ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर करेंगे तो वन, यहाँ से और यहाँ से आयोटा वाई कॉमन निकाल लेते प्लस का, प्लस आयोटा वाई कॉमन निकाले तो पहले प्लस वाले को लिख लो एक्स प्लस वन, और ये आयोटा वाई निकाल के माइनस साइन का इसमें इंटू कर लो, ये माइनस एक्स और ये प्लस वन, और ये आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर को पहले लिख लो वाई स्क्वेयर और ये माइनस वन स्क्वेयर ब्रैकेट में लिख लो, प्लस ये नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स कैंसल्ड, वन प्लस वन टू आयोटा वाई हो जाएगा, टू आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखो ये एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वन आया, इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल, ये जीरो यहाँ जीरो रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस टू आयोटा वाई अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वेयर जीरो को एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, और प्लस टू वाई अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू आयोटा, ये आया है जेड टू के इक्वल। अब देखो z2 इज इक्वल टू जीरो प्लस टू वाई अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, हमको इसका z2 का रियल पार्ट जीरो के इक्वल प्रूव करना है, तो रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू जीरो, ये देख रहा है आपको जीरो रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट जीरो के इक्वल, हेंस प्रूव। देखो यही हमको प्रूव करना था कि Z2 का जो रियल पार्ट है वो जीरो के इक्वल, ठीक है ऐसे करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इफ मॉडुलस ऑफ Z प्लस वन इज इक्वल टू Z प्लस टू इंटू वन प्लस आयोटा फाइंड Z। देखिए एक ये कंडीशन दी हुई हमको और यहाँ से हमको Z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई सपोज कर लेंगे और उसको यहाँ रख के सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे और वो x और y की वैल्यू को जो अपन सपोज करेंगे अपन z is equal to x plus iota y उसमें x और y की वैल्यू रख देंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी, तो लेट z is equal to x plus iota y, अब ये कंडीशन ले लेता हूं मैं, mod of z plus 1 is equal to z plus 2 into 1 plus iota, रखो इसमें z की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन इज इक्वल टू जेड की वैल्यू, इधर भी रखेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस टू इंटू वन प्लस आयोटा, इसको सॉल्व करो, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन को पहले लिख लो प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ये एक्स और यहाँ से प्लस टू आ जाएगा, ये प्लस टू प्लस ये आयोटा वाई और ये टू आयोटा, उसमें से आयोटा कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ बच जाएगा आपका वाई और यहाँ बच जाएगा प्लस टू,
देखना ध्यान से, मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ से, आयोटा को यहाँ से कॉमन निकाल दिया वाई बच्चा, और यहाँ पे टू आयोटा होगा, उसमें से आयोटा कॉमन निकाले तो टू बच गया, और ये टू वन जेड टू को यहाँ लिख दिया। अब ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजनरी पार्ट हो गया, ये मॉडुलस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में। तो इसको मॉडुलस हटा के अपन क्या लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस वन है, वाई के प्लेस पे वाई, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस टू प्लस आयोटा वाई प्लस टू, ऐसा हो गया। यहाँ पे मैंने ये यूज कर लिया है, सेंस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है एक्स प्लस टू प्लस आयोटा वाई, ये रियल पार्ट, ये इमेजनरी पार्ट, और इधर ये केवल रियल पार्ट दिख रहा है, तो इसमें जीरो प्लस आयोटा प्लस कर देता हूँ मैं, ये अंडर रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जीरो इंटू आयोटा इक्वल टू ये एक्स प्लस टू, ऐसा लिख लो, प्लस आयोटा वाई प्लस टू, ऐसा आ गया। अब इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो बाय इक्वालिटी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रख लेते हो, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल रख के सॉल्व करते तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, उन वैल्यूज को यहाँ रख देंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल पार्ट अंडर रूट एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रियल पार्ट एक्स प्लस टू एंड इमेजनरी पार्ट इधर जीरो और इधर वाई प्लस टू, तो वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, यहां से वाई की वैल्यू निकल जाएगी, तो y इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, ये एक वैल्यू तो आ गई आपकी y की। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो ये वाली y की वैल्यू यहाँ रख देंगे अपन, उसको सॉल्व करते हैं। अभी दोनों साइड का स्क्वेयरिंग कर लेते हैं पहले, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इधर a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो फोर प्लस टू ए बी करेंगे तो टू टू सा फोर एक्स। यहाँ पर y की वैल्यू रख देते हैं माइनस टू और इसको खोल दो, a प्लस बी और स्क्वायर से खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर, y की वैल्यू माइनस टू है इसका स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स, ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर पॉजिटिव कैंसल्ड, क्या बचा ये वन प्लस टू एक्स और ये माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर हो जाएगा इज इक्वल टू फोर प्लस फोर एक्स, ये फोर से फोर को कैंसिल कर लो, विच एम्प्लाइज ये वन और ये टू एक्स को इधर शिफ्ट कर दो फोर एक्स के साइड, फोर एक्स प्लस टू एक्स का माइनस टू एक्स, विच एम्प्लाइज फोर एक्स माइनस टू एक्स टू एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन टू। अब देखो एक्स की वैल्यू भी आ गई, एक्स इजिकल टू वन अपॉन टू और वाई अपना पहले आ गया था माइनस टू, तो देयर फोर जेड इजिकल टू निकाल लेते हैं, देयर फोर जेड इजिकल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स की वैल्यू वन अपॉन टू प्लस वाई की वैल्यू माइनस टू और ये आयोटा, या इसको लिख सकते हैं आप जेड इजिकल टू वन अपॉन टू माइनस टू आयोटा, बस यही आपका आंसर हो गया। तो ऐसे आप z की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, वन अपॉइंट टू माइनस टू आयो, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, सॉल्व द इक्वेशन मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस वन प्लस टू आयो, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, इसको हमको सॉल्व करना था, इसमें वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी z है तो हमको z की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y ले लेंगे और ये इस कंडीशन के अंदर वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में रख देंगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी, लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब मैं ये कंडीशन को ले लेता हूँ और इसमें वैल्यू रख देंगे, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन प्लस टू आयोटा
वैल्यू रख दो इसमें, ये मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, इधर भी जेड की वैल्यू रख दो एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वन प्लस टू आयोटा, इसको सॉल्व करते हैं, विच एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई को अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये एक्स प्लस वन को पहले लिख लो प्लस यहाँ से आयोटा कॉमन निकाल लो, ये वाई प्लस टू हो जाएगा। अब देखिए इधर कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर के रियल पार्ट है, तो मैं इधर प्लस जीरो आयोटा और ऐड कर देता हूँ, विच एम्प्लाइज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जीरो इंटू आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वन प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस टू। अब देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट रख देते हैं और इमेजनरी पार्ट के इक्वल इमेजनरी पार्ट, बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रियल पार्ट है, इक्वल टू अदर रियल पार्ट एक्स प्लस वन एंड इमेजनरी पार्ट जीरो और इधर इमेजनरी पार्ट वाई प्लस टू, तो वाई प्लस टू इजिकल टू जीरो, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लो, वाई इजिकल टू टू को शिफ्ट कर देंगे तो माइनस टू, ये वाई की वैल्यू तो आ गई। अब हमको एक्स की वैल्यू निकालना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका दोनों साइड का स्क्वेयर कर लो, ये अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा स्क्वेयरिंग से, इधर ए प्लस बी होल स्क्वायर के आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे वन प्लस टू ए बी करेंगे तो टू एक्स, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर लो, वाई की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, एच एम्प्लाइज वाई की वैल्यू है माइनस टू इसका स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस टू एक्स, माइनस स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर फोर, वन को इधर शिफ्ट कर लो तो माइनस वन इक्वल टू टू एक्स, 2x is equal to 4 minus 1 करेंगे तो 3, तो x is equal to 3 upon 2, ये x की वैल्यू आ गई 3 upon 2 और y की वैल्यू पहले आ गई थी अपनी माइनस टू, तो therefore इसको z में रख देते हैं तो z आ जाएगा, therefore that is equal to x plus iota y, x है 3 upon 2 plus iota y, y की वैल्यू माइनस टू तो माइनस टू iota हो जाएगा, बस बस यही आपका आंसर हो गया, z is equal to 3 upon 2 minus 2 iota, ऐसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। सो आई थिंक इट्स enough for today. Remaining questions of this exercise will continue from the next class. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, ओके बाय।